करें, लेकिन वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपकी तारफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, पाकिस्तान के एक ब्रिलियंट एक्टर। आपने फिल्म की, आपने टीवी की, आपने जहां भी काम किया, आपने अपने फन का लोहा जो है वो मनवा लिया। आपके क्रेडिट पे लाजवाब किरदार हैं और आप जाती हैसियत में माय बिग ब्रदर हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द रियल वन एंड ओनली असद मलिक। और आज तो लगता है ऐसे है कि जैसे मलकों का जो है वो शो है, क्योंकि हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है वो एक तो मलिक है, ऊपर से शोबिज में भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली ईशा मलिक। पाजी अनिशा, वेलकम टू तंजो मजाक। पाजी, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि आपने कौन सा आबे हयात पी रखा है? को मुझे भी चखा दीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। जवानी रुक गई है, एमी को कहता था गई जवानी फेर नहीं आती, लख खुराका खाइए, ओथे देखो फुल स्टॉप। सर, दिन ब दिन आप जवान होते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आबे हयात नहीं है, देखें आपका जो एजिंग का प्रोसेस है ना वो रुकता नहीं है बिल्कुल, बट उसको आप स्लो कर सकते हैं। तो ये आपने स्लो कैसे किया? बहुत आसान तरीका। ओके सर। लेकिन शहद का इस्तेमाल खालिस वो कितों मिलेगा? हालत शायद का निशानी है कि वो मिलता ही नहीं। मौसम बहार का जो है छोटी मक्खी का स्पॉट क्वालिटी वो आप ले लें। सुबह उठकर आप पानी के साथ जितना आपको अच्छा लगे। कुछ पागल लोग भी दुनिया में होते हैं। ये औरत जो है हाँ। ये असली शायद कांड दे चक्कर ची 700 मक्खी का आ गई। अच्छा बाजी, एक बात बताइए, आज भी आपको लोग नुमान इजाज कह देते हैं? हाँ, अभी रिसेंटली मैं इस्लामाबाद में था तो कोई किसी काम से हम बाहर निकले हुए थे, साथ में एक दो दोस्त भी थे। एक बंदा बड़ा खुशी से आया, ओ जनाब नुमान एजाज साहब, क्या हाल है आपका? मैंने कहा यार तू लगता नुमान एजाज नु भी नहीं पहचानता। ये अक्सर होता है, मुझे भी शुरू शुरू में फैसल कुरैशी और काशिफ महमूद आगे पीछे कर देते। अच्छा, जब आपको लोग अभी भी कहते हैं नुमान एजाज, कह देते हैं मासूमियत में, तो गुस्सा तो नहीं आता पाजी? कभी भी नहीं। हमने नौमी समझ लें कि बचपन का, हम एक गली छोड़ के रहते थे जब हम छोड़े थे, इकट्ठे बड़े हुए हैं। और आई थिंक ही इज अ स्प्लेंडेड एक्टर, मैं उसका बहुत बहुत मुतरिफ हूँ एक्टिंग के हवाले से। ये बड़ी अच्छी बात होती है, उनको कोई नुमान एजाज कहता है, आपको फैसल कुरैशी कहता है। ये देखो इसको जब कहते हैं घटिया आदमी कहते हैं। ये मेरा क्वालिटी आया फिल्म का प्रमोशन के लिए आ रहा है। मर्द वीक पॉइंट मत दो, तेरा खाना खराब होना जिन्हें यार रजाई वर्गी औरत मेरे नाम का। अच्छा, मक्खन लगाए बगैर आपने पाजी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट देखा होगा। कैसे एक्टर हैं असद मलिक साहब आपकी नजर में? बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे सीरियल नेम तो याद नहीं है लेकिन मैंने इनको एक्टिंग में देखा हुआ है और बहुत अच्छी एक्टिंग है इनकी। ओके। अच्छा सुना, आप मॉडलिंग करती हैं माशाल्लाह। जी मैं। तो मॉडल्स को भी आजकल प्याज बहुत महंगे मिल रहे हैं। बिल्कुल। महंगाई है आपके लिए? बिल्कुल। तो खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं आजकल? हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कैसे, हमें भी कोई फॉर्मूला बताइए, हम आवाम को बताएंगे, उनके नहीं हो रहे। करना तो पड़ता है ना फिर। कैसे? मांग के। अच्छा एक बात बताइए, प्याज काट प्याज। नहीं नहीं, एक बड़ी अच्छी बात आई है, एक बात बताइए, आप रैंप वॉक कर रही हूँ, कैट वॉक कर रही हूँ, अचानक बिजली का बिल आपके जहन में आ जाए तो क्या आप स्लिप हो जाती हैं? सोचिए ना, मतलब टक 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 कर बिजली का बिल होते डम टक टक के बाद फिर कैश भी है। लेकिन आजकल सुना कि कैश कम हो गया। नहीं ऐसा नहीं है। डाउन साइजिंग नहीं हो रही? नहीं नहीं इतना नहीं। लो जी, आपके साथ नहीं हो रही, बाकी हमारे साथ तो यही कुछ हो रहा है ना पाजी। मैं तो जब रैंप पे जाती हूँ मैं बिजली के बिल की वजह से नहीं गिरती। जब असद जी नजर आ जाए मैंने कहा बिल की मुझे खतरा क्यों नहीं है भला? क्यों नहीं है? इसने भरवाना होता है ना। औरत सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो मोड़ा, खुदा का वास्ता सच बोलो, ये जब रैंप पे फिरती है ये नहीं गिरती। क्या गिरता? रैंप गिर जांदा है तले। असद भाई सबसे पहले तो हमारा माजरत कबूल करो भाई, हम माफी चाहता है, हम दरअसल इसको जबान दे चुका है, वरना हम वादा करता है कि अगला फिल्म में तुम ही हमारी फिल्म का हीरो होगा भाई। ये मेरा भाई, इसने पैसा मेरे को एक नहीं दिया, सिर्फ जबान दी है। तो ये इन्हें एक बात ये ना, या पैसा ले लो या जुबान ले लो, तुम तो हो ही ना शुक्रा,
खुदा पाक का कसम हम इसको किधर से उठा के लाया आप सोच भी नहीं सकते। भाई मेरा रेड़ी पे चली बेचता था ये और उसके ऊपर दाना भी नहीं था, तुक्का ही बुनी जाता था। उधर से लाके ईट करवाया। जहाँ तुमने मेरे को एक जुबान दिया वहाँ छोटी सी एक कद भी दे देता तो मेरा नाश्ता हो जाता। चलो छोड़ो इन बातों को। असद मलिक जी आप अगर हामी भरो ना भरो तो हम अपनी शादी की फिल्म में आपको हीरो और हम खुद हीरो बन जाएंगे। इधर मेरा हाथ जोड़ा देखो असद भाई। असद भाई मैं उठ के तुम्हारा पाँव भी फट सकता है। आज भी इसके साथ शादी मत करना। तुमने इस तरह घूंघट उठाना है इन्हें थले सिगरेट लाया हूं। 2022 देखा जाए ओवरऑल तो शोबिस के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। आपको कैसा लगता है कि 2023 को कैसा रहेगा शोबिस के लिए? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा मतलब आपके क्या प्लान है 2023 में? मैं मॉडलिंग में ही आगे जाऊंगी। अच्छा इसी फील्ड में। ओके मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मेरे सामने सचमुच में असद मलिक बैठे हुए हैं। ज़हरा माना खा जनसल खराज रहा। तुम्हारी आंखों को यकीन नहीं आ रहा? नहीं यार मैं तुम्हारी आंखों में तजाब डालता ना आंख रहेगी ना तुम्हारा यकीन रहेगा। आंख दिखाई जरा ये आंख का सदवेकना लिया है। अच्छा एक बात बताइए मिस्टर डायरेक्टर आपने क्या देख के इनको हिरण ले लिया? हमारा कबीले का इनके कबीले से झगड़ा हुआ। अच्छा तो बस लड़ाई में हमसे एक बंदा मर गया। फिर हमने कहा जी हमारा जान कैसे छोड़ते हो? उन्होंने कहा तुम डायरेक्टर है हमारे कबीले की लड़की को चांस दे दो। चांस दिया अगो अल्लाह वाले। एक मिनट मेरा बात सुनो। मेरा तो कबीला भी तेरे नाल नहीं सी लड़े। आए, आए, आए। तेरे को मैं दुश्मनी ले आया दुश्मनी। मेरे को किस बात का सजा दिया तुमने? तुमको खुशी होता अगर मैं तुम्हारा हीरोइन होता ना? नहीं वो बात ठीक है आपका। आए, आए, नहीं हमने तुम्हें हीरोइन रख के फिल्म चिड़िया पे बनानी थी। ये क्या बात किया फिल्म चिड़िया पे? चले खवातीन बात समझ में नहीं आई। ब्रेक में हम खान साहब से पूछते हैं कि उन्होंने ये क्या बात की है। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। वेलकम बैक मिस्टर डायरेक्टर। एक बात तो बताइए कि आपकी जो फिल्म है पठान असली पठान इसकी स्टोरी लाइन क्या है? बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल। अच्छा बिल्कुल नई लोकेशन और बिल्कुल नया स्टाइल बर्पा करने वाला है। ओके ओके कुछ बताइए। लॉन्ग शॉट से कैमरा खोला है। अच्छा हम दूर से हीरो को दिखाना चाहता है लेकिन नहीं दिखा पा रहे। क्यों? कैमरे का लेंस खराब है। दूर के कैमरे का। फिर हमने कैमरा उठाया हीरो के पास लेकर आया। हमने क्या दिखाया कि सर्दी है। ओके सर्दियों में हीरो बेचारा गरीब और मकई बेच रहा है। ओके फिर हमने कट अगला शॉट दिखाया है कि गर्मियां है। उधर बेचारा गरीब इमली आलू बुखारे का शरबत बेच रहा है। ओके उसके बाद फिर कट किया है कि रमजान दिखाया है। अच्छा और ये समोसे पकौड़े बेच रहा है। और भाई कारोबार से बात आगे बढ़ाइए। फिल्म की स्टोरी क्या है? और अगर काशिप भाई तुम सीगा राज में रखो तो एक तुम्हें बात बताए। सीगा राज में रखूं? पार्ट टाइम किस्तों की चीजें भी बेचता है हीरो। ये फिल्म तुम यौम मजदूर पे चलाएगा?